सब्सक्राइब कीजिए आओ घर सजाएं चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है, ये बिल्कुल फ्री। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम अपने चैनल में आपके लिए देखिए न्यू डिज़ाइन डोरमेट लेकर आए हैं, जो देखिए देखने में कितना सुंदर लग रहा है, बनाने में भी उतना ही ईजी है। इसको मैंने यहाँ पे जाली के साथ में बनाया हुआ है और इसमें मैंने 3 कलर का बूल लगाया हुआ है। आप बूल अपने हिसाब से लगा सकते हैं, 2 कलर का भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास इससे भी ज़्यादा कलर हो तो आप इसमें वो भी कलर ऐड कर सकते हैं। और इसमें जो जाली का लुक दिया हुआ पैटर्न है, ये कितना सुंदर दिखाई दे रहा है और ये बनाने में बहुत ही ईजी है। तो इसको मैंने टोटल 26 फंदों से बनाया हुआ है। अगर आप इसको और भी बड़ा बनाना चाहती हैं या छोटा बनाना चाहती हैं तो उसके अकॉर्डिंग इसको हम बना सकते हैं। अगर आप यहाँ पे मैंने 26 फंदे का डब बनाया है तो मैंने ये नीचे दो दो फंदे छोड़े हुए हैं। अगर आप इसे छोटा बनाना चाहती हैं तो आप नीचे एक एक फंदे छोड़िएगा, और अगर इसे बड़ा बनाना चाहती हैं तो फंदे तो दो ही छूटेंगे। जाली का पैटर्न यहाँ पर 6 है तो 6 की जगह आप 8 भी कर सकते हैं। मैंने ये 6 फंदों में जाली डाली हुई है। अगर आप इसे और बड़ा बनाना चाहती हैं तो आप 8 फंदों में भी जाली कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने किस तरीके से बनाकर कंप्लीट किया हुआ, चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम जो डोरमेट बनाने के लिए जा रहे हैं उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 कलर का वूल लिया हुआ है और यहाँ 9 नंबर की सिलाई ली हुई है। अब हम फंदे डालेंगे। फंदे आप कोई भी कलर की वूल से डाल सकते हैं। फंदे हमें यहाँ पे 26 फंदे डालने हैं। तो देखिए, मैंने फंदे डाल लिए हैं। मैंने यहाँ पे 27 फंदे डाले हैं, 27 फंदे डाले हैं। आप 26 फंदे भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने एक फंदा इसलिए डाला है क्योंकि हम यहाँ पे एक फंदा उतारेंगे इस तरीके से। देखिए, धागा आगे की साइड करेंगे और जाली डालेंगे। फिर से धागा आगे की साइड किया, पे भी जाली डाली, 2 फंदे पे जाली डाल चुकी है। फिर से धागा आगे साइड किया, ये 3रे फंदे पे जाली डाल रहे हैं हम। फिर से धागा आगे साइड किया, चौथे फंदे पर जाली डाली है और ये 5। और ये की 6 फंदे पे हमने जाली डाल ली है। देखिए, फिर से धागा आगे साइड करेंगे और ये फंदे उल्टे उल्टे बनाएंगे। और नीचे की साइड से 2 फंदे छोड़ देंगे। इस तरह बनाते जाएंगे और नीचे की साइड से हम 2 फंदे छोड़ देंगे। तो देखिए, 2 फंदे हमने छोड़ दिए हैं। सिलाई हमने पलट ली है, ये रॉन्ग साइड है। रॉन्ग साइड में हमें सारे फंदे उल्टे बनाने हैं। जाली वाले फंदे हैं उनको भी हम उल्टा ही बना लेंगे। कोई फंदा घटाना बढ़ाना नहीं है। अभी इसी तरीके से हम पूरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, रॉन्ग साइड की हमने पूरी रो बनाकर कंप्लीट कर ली है। राइट साइड में है पहला फंदा था जो हमने पहले उतारा हुआ था। अब की बार इसको बनाएंगे, सीधा बनाया। बनाने के बाद फिर इस सिलाई में हमने डाल लिया, फिर एक बार और इसको सीधा ही बनाया। देखिए, 2 बार हमने बना लिया। अब हम क्या करेंगे, ये 2 फंदे का हमें एक फंदा करते हुए जाली डालना है। 6 फंदों पे डालना है हमें। फिर से यहाँ पे फिर से आगे करेंगे, ये 2 फंदे का एक फंदा करते हुए हमें जाली डालनी है। ये आखिरी फंदा है। एक और जाली बची हुई है हमारे पास में, इसको भी हम 2 फंदे का एक फंदा करते हुए जाली डाल लेंगे। देखिए, यहां तक बन चुकी है। फिर से धागा आगे साइड करेंगे और ये फंदे अपने उल्टे उल्टे बनाएंगे।
नीचे के साइड से फिर से दो फंदे छोड़ देंगे। इसी तरीके से हमें ये बनाती हुए जाना है और ये दो फंदे छोड़ती हुए जाना है। नीचे चार फंदे छूट चुके हैं, रॉन्ग साइड पूरी ही उल्टी बनाना है। ये जाली वाले फंदे भी हमको उल्टे ही बनाकर कंप्लीट करने हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे दो दो करके ये सारे फंदे छोड़ दिए हैं और यहाँ पे देख हमारी चैन बन के ये कंप्लीट हो रही है सारी। ये जाली वाली चैन जो बन रही है देखिए इस तरीके से कम्प्लीट भी हो रही हैं। ये जब सारे फंदे छूट जाएंगे तो क्या करेंगे, ये वाला स्टेप हमें बराबर लेते हुए जाना है। यहाँ पर एक ही फंदे को दो बार बनाने वाला स्टेप है ये, तो इसको हमें पूरी डोरमेट में बनाना है। धागा आगे की साइड किया, यहाँ पे हमें जाली डालनी थी तो जाली ही डालेंगे। फिर से धागा आगे की साइड किया और देखिए जब जाली डालेंगे तो ये दो फंदे का हम एक फंदा करते जाएंगे और बराबर ये जाली भी पड़ती जाएगी। छह फंदे हैं हमारे जाली वाले। और देखिए अब की बार क्या करेंगे, लास्ट सिलाई है जब पूरे फंदे छूट जाने के बाद की ये सिलाई है, तो ये सारे फंदे हम उल्टे उल्टे एक ही सिलाई में बना लेंगे। देखिए इस तरीके से, अगर आपको गैप ज़्यादा लग रहा है तो आप बीच में से भी इस तरीके से फंदा उठाकर इस गैप को भर सकते हैं। एंड तक बनाएंगे हम ये पूरे फंदे। देखिए अब यहाँ से हम अपना अगला कलर लगाएंगे। अगर आप दो कलर का बना रहे हैं तो आप दो कलर का भी बना सकते हैं और इसमें आप और भी कलर अटैच कर सकते हैं। दो के अलावा अगर आपके पास दो कलर बराबर नहीं हैं तो आप इसमें थोड़े थोड़े कई कलर लगा के इसको बना सकते हैं। अब रॉन्ग साइड से हम यहाँ पे दूसरा कलर अटैच करेंगे तो ये पूरी सिलाई यहाँ तक हम उल्टी बनाकर कंप्लीट करेंगे। ये मैंने यहाँ से दूसरे कलर का वूल अटैच कर लिया है और ये फंदे हम बनाना शुरू करते हैं। ये सारे फंदे हम उल्टे उल्टे बनाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे अपना सेकंड कलर भी अटैच कर लिया है और फिर से हम वैसे ही बनाना शुरू करेंगे जैसे कि हम बना रहे थे। पहला फंदा हमें एक बार बनाने के बाद में इसको इसमें डालने के बाद दोबारा से फिर बनाना है, दो बार बनाना है हमें ये वाला फंदा। और फिर से हम देखिए जाली बनाना शुरू करेंगे। दो फंदे का एक फंदा करते हुए यहाँ पे जाली डालेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे तीसरा कलर भी लगा लिया है, ये मेरी तीसरी कली भी बनके कंप्लीट हो चुकी है और ये देखिए पूरा मेरा बन चुका है। ये लास्ट कली थी, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम अपने फंदे घटा देंगे। फंदे वैसे ही घटाना है जैसे कि हम घटाते हैं, दो फंदे का एक फंदा काटते जाएंगे। और इसे पूरा एंड तक घटा देंगे। तो देखिए हमने ये फंदे पूरे घटा दिए हैं, अब हम इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई करने के लिए हमें ये दोनों हिस्से बराबर चाहिए एंड तक, दोनों को मिलाएंगे और इसकी सिलाई करेंगे। सिलाई हमें उल्टी साइड से ही करनी है। देखिए यहाँ से
हमने ये दोनों इसके कॉर्नर मिला लिए हैं और यहीं से हम अपनी सिलाई करना शुरू करेंगे। सिलाई आप अपने हिसाब से कैसी भी कर सकते हैं, तो इसको हम इसी तरीके से पूरा लास्ट तक सिल लेते हैं। तो देखिए मैंने इसको पूरा सिल लिया है और इसके बीच में एक पम्पम भी लगा दिया है जो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है और एकदम इजी है ये बनाने में। आप इसको बहुत ही आराम से बना सकते हैं। सो फ्रेंड अगली वीडियो में फिर मिलते हैं न्यू डिज़ाइन न्यू डोरमेट के साथ। जब तक लीजिए।